उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा है। इस बीच खबर आई है कि नेपाल सीमा से लगे मदरसों का इस्तेमाल आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। साथ ही सुल्तानपुर जिले में शोभा यात्रा पर हुए हमले का भी कनेक्शन एक मदरसे से जुड़ा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ समय पहले ही 3 आतंकियों को UPATS ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। बांग्लादेशी आतंकी अलीनूर की गिरफ्तारी के बाद अब UPATS और पश्चिम बंगाल की STF उसके साथी अब्दुल्लाह तलहा की खोज कर रही है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अलकायदा से जुड़े AQIS JMB के आतंकी नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए सीमा पर मौजूद मदरसों का इस्तेमाल हो सकता है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हुए आतंकियों से काफ़ी अहम जानकारी मिली है। उनके पास से पेन ड्राइव और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनकी जांच करवाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आतंकी तल्हा के अलावा भी कुछ अन्य लोग ATS की रडार पर हैं।